बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप भी जॉब से निकाले जा चुके हैं या आप अपने सीवी लेकर जगह जगह फिर रहे हैं, आपको कोई मुनासिब जॉब जो है वो नहीं मिल रही, या आप भी अपनी पुरानी जॉब से तंग आ चुके हैं और किसी नई जॉब के इंतज़ार में हैं, तो घबराइएगा मत, क्योंकि मैं देने वाला हूँ आपको आज की इस वीडियो में ऐसी कमाल की जॉब्स जो कि आप जो है उसे अप्लाई करके एक अच्छा सा रोज़गार जो है वो हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की अच्छी और जॉब्स के मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को देते हैं डेली बेसिस पर न्यू गवर्नमेंट की जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, एनजीओ जॉब्स और इस तरह की ना जाने कितनी ही जॉब्स हैं जो कि पाकिस्तान में डेली बेसिस पर आती हैं। उनकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हम ये भी बताते हैं कि उस पर अप्लाई किस तरह से करना है, और अगर फिर भी आपको कोई मसला आ जाए तो फिर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको मुकम्मल रहनुमाई फ्राहम करने को तैयार हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हमारी इस वीडियो को आपने हर उस बंदे तक लाजमी शेयर करना है जिसको भी ये मसला, यानी कि जिसको जॉब्स नहीं मिल रही या वो भी अपनी पुरानी जॉब से निकाला जा चुका है या तंग आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं पाकिस्तान नेवी में जो न्यू जॉब्स ओपन हुई हैं, 1900 से ज़्यादा नौकरियां जो हैं उन पर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सब मैं आपको क्लियर करूँगा आज की इस छोटी सी वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा नौकरियाँ जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, और अगर आप इनकी जॉब डिटेल पर जो वो क्लिक करते हैं या नीचे की तरफ जो है वो स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको जितने भी पाकिस्तान नेवी में नौकरियाँ ओपन हुई हैं उनके सब के नाम जो लिखे हुए हैं आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे APS है, और उसके बाद असिस्टेंट है, फोटोग्राफ़र है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है, और इस तरह की बहुत सारी जॉब हैं यहाँ पर आप इजी तरीके से इनको देख कर जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर ली जाए तो क्वालिफ़िकेशन के लिए इन्होंने मांगा हुआ है BSc यानी कि बैचलर लेवल की डिग्री जो है वो आपके पास होना चाहिए तो भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट की डिग्री है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने मैट्रिक, DAE, प्राइमरी या मिडिल की हुई है तो भी आप इसमें इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नैप का सेद आ जाता है और इस तरह की छोटी मोटी जो नौकरियाँ हैं जिन पर प्राइमरी और मिडिल लेवल और मैट्रिक लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर जेंडर की बात कर ली जाए तो जेंडर में इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 1900 से ज़्यादा नौकरियाँ जो है पाकिस्तान नेवी में आई हुई हैं जिन पर आप इजी तरीके से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप, और उसके बाद मसला ये होता है कि आपने इस पर अप्लाई किस तरह से करना है, अप्लाई करने के लिए सिंपली आपको एक बटन जो है नीचे दिखाई देगा, या तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं जिनका लिंक मैंने आपको ऊपर जो है वो भी दिया हुआ है, और अगर आप वहां से अप्लाई नहीं करते तो यहां पर आपको नीचे एक बटन जो है वो दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप यहां पर क्लिक करके अपनी किसी भी जॉब पर जो भी कैटेगरी आप सिलेक्ट करते हैं उस पर जो है इजी तरीके से घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इनकी जॉब की डिस्क्रिप्शन जो है मोर डिटेल में जो है वो पढ़ना चाहते हैं तो नीचे इनका इश्तिहार जो है बिल्कुल सलीस उर्दू में जो है वो भी आपको नीचे दिखाई देगा, तो वहाँ पर भी आप इनके रिक्वायरमेंट को जो है रीड करके इनकी जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं।